कभी पूर्वांचल में अपने नाम का खौफ पैदा करने वाला माफिया डॉन मुख्तार अंसारी आज कोर्ट में गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया। उसने खुद को निर्दोष बताते हुए योगी सरकार पर द्वेष की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। करीब 20 मिनट तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि तय की है। वहीं विवेचक पक्ष को भी कोर्ट ने सुना। विवेचक ने मुख्तार से पूछताछ की मांग की। माना जा रहा है कि आजमगढ़ पुलिस जल्दी माफिया मुख्तार अंसारी से पूछताछ के लिए बांदा जेल जा सकती है। तरवा थाना क्षेत्र के एरा खुर्द गांव में साल 2014 में सड़क निर्माण के दौरान वर्चस्व की लड़ाई में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के लोगों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी जबकि एक मजदूर घायल हो गया था। इस मामले में तरवा थाने में मुख्तार और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी मामले को लेकर मुख्तार और उसके 10 सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही हुई थी। पुलिस ने मुख्तार को वारंट बी तामिल करवाया था। इस मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार को गुरुवार को पेश होने का निर्देश दिया था लेकिन कोविड के चलते मुख्तार कोर्ट में पेश नहीं हुआ। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में सुनवाई हुई। करीब 20 मिनट तक चली सुनवाई के दौरान माफिया मुख्तार अंसारी कोर्ट में गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया। उसने कहा कि योगी सरकार विद्वेष की भावना से काम कर रही है। मुख्तार के वकील दरोगा सिंह ने कहा कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्तार ने कहा कि उसे अपने घर पर बात नहीं करने दिया जा रहा है। जेल मैनुअल के हिसाब से सुविधाएं नहीं मिल रही है बल्कि उनके साथ क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।